दिन दहाड़े छाता में पुलिस की अभिरक्षा में एक कैदी को मारी गोली। गोली मारने वाले अज्ञात व्यक्ति हुए फरार। छाता तहसील में आज दिन दहाड़े करीब 4 बजे दो अज्ञात बदमाशों ने मथुरा जेल से छाता कोर्ट में पेशी पर आए करमवीर नाम के युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। करमवीर गांव गुहारी का रहने वाला है, जो कि कुछ दिन पहले गांव के ही सरमन प्रधान को गोली मारने के केस में मथुरा जेल में बंद है। आज छाता कोर्ट में जब वह अपनी पेशी के लिए आया तो दो अज्ञात बदमाशों ने छाता तहसील के गेट पर पुलिस के वज्र वाहन में बंद 5 कैदियों में से करमवीर नाम के कैदी पर गोली दाग दी। गोली करमवीर के कंधे में जा लगी, जिसकी वजह से उसकी नाजुक हालत बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए नियति हॉस्पिटल मथुरा ले जाया गया। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति पुलिस की वज्र वाहन के ऊपर चढ़कर जाली में से पिस्टल की 2 गोलियां चला दी, जिसकी वजह से करमवीर नाम के व्यक्ति में गोली जा लगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या तहसील छाता में पुलिस वाहन के अंदर बैठे व्यक्ति में गोली कैसे लगी? क्या प्रशासन अपनी सतर्कता में लापरवाही बरत रहा है? क्या व्यक्ति पुलिस गिरफ्त में भी सुरक्षित नहीं है? इसमें लक्ष्मी नारायण मंत्री समर्थकों पर हत्या आरोपी में गोली मारने की आशंका भी जताई जा रही है। अब पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना करने वाले बरसाना की तरफ स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से भागते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि घटना करने वाले व्यक्ति 2 नहीं बल्कि 3 थे, जो कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार थे। सर क्या घटना हुई है? एक अभियुक्त करमवीर जो जिला जेल में निरुद्ध है, पेशी पर तहसील छाता में स्थित जेएम कोर्ट में पेशी पर गया था, और पेशी के उपरांत जब सभी मुलजिम को वज्र वाहन में हमारे जो पुलिस सिपाही लेकर आ रहे थे, गेट पर ही जब गाड़ी धीमी हुई है, किसी व्यक्ति ने जो है खिड़की के माध्यम से गोली मार दी है, जिससे उसको कंधे में गोली लगी है। अभियुक्त को करमवीर को इलाज के लिए तत्काल यहाँ नियति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है, और हमारी टीमें लगा दी गई हैं, छानबीन चल रही है, और जल्द ही इस घटना का नामरण कर कार्रवाई की जाएगी।